107 करोड़ रुपया अगर हम ले लेते ना तो 12 करोड़ बिहारियों के मुंह पे धब्बा लग जाता। सुबेरे उठा तो लिख रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लाहौर का, रे सुचाई तो सरकारी स्कूल है लाहौर का, तब पता चला इंडियन आर्मी को कि हम लाहौर में हैं। देखिए ध्यान से, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गया। ये लड़ाई पाकिस्तान ने जानबूझ के किया था क्योंकि उनको गलत आइडिया था। उनको आइडिया इस बात का था कि 1962 में चाइना ने इधर से हमला किया है, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई थी, मनोबल गिर चुका था, हम लोग बुरी तरह हारे थे। हम लोग हारने के पीछे गलती थी नेहरू की। किसकी? नेहरू। नेहरू ने एयरफोर्स का यूज नहीं किया। देखिए किसी को भी आप गलत ठहरा सकते हैं 50 साल पहले, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो जेन्युइन थे। एक और थे बृजनाथ पॉल, वो नेहरू के रिश्तेदार थे और वो सेना का वही कमांड संभाल रहे थे अरुणाचल प्रदेश में, और वो इंसान जीवन भर सप्लाई ग्रुप का था, मतलब उनका काम था सप्लाई करना। नेहरू के रिश्तेदार होने की वजह से उनको सेना का कमांड दे दिया गया। एक वो चौपट हुए। नेहरू ने उस समय जिसको रक्षा मंत्री बनाया था के मेनन, महाचोर आदमी था। भारत का पहला घोटाला के मेनन ने किया, जीप घोटाला। जीप पे दिखा दिया कि इतना जीप खरीदा गया है, जीप का नंबर ये है, इतना पैसा दिया गया है, जीप नहीं खरीदाया था, पैसा निकल गया यहाँ पर। और नेहरू ऐसे ही शांतिप्रिय, नेहरू काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थे, मतलब समझ जाइए कि महत्वाकांक्षी। वो सोचे थे कि प्रधानमंत्री बनिए गए हैं, अब UNO के महासचिव बनना चाहिए, तो शांति शांति कहेंगे तो शांति शांति हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो चाइना को समझा रहे थे। आप कभी उस इंसान को नहीं समझा सकते जिसके पास खुद इथिक्स नहीं है, सिद्धांतवादी व्यक्ति को समझा सकते हैं। समझ में आ गई ना? अब हम लोगों को कहीं पे 2 रुपया फायदा दिखेगा या कुछ फायदा दिखेगा, लेकिन सिद्धांत से समझौता करना होगा, नहीं करेंगे लोग, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान किससे बंधा हुआ है? सिद्धांत से बंधा हुआ। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब सोचा 107 करोड़ रुपया कम नहीं ना होता है, बहुत होता है, हम काहे लिए छोड़ दिए। 107 करोड़ रुपया अगर हम ले लेते ना तो 12 करोड़ बिहारियों के मुंह पे धब्बा लग जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब आकर से कोई नहीं करता कि बिहारी है, हम नहीं। समझ में आया? अरे 107 करोड़ कौन बात, दिक्कत नहीं चाहिए 107 करोड़। नहीं समझ में आया? उसे कुछ ना, हम लोग बिहारी गमछे पे खुश। तो अपना क्या होता है? सिद्धांत होता है। तो कुछ लोग सिद्धांतवादी होते हैं, जैसे भारत के राजपूत शासक सिद्धांतवादी होते हैं, उनका सिद्धांत है उसी सिद्धांत से लड़ेंगे। मुगलों के पास कोई सिद्धांत नहीं, दिल्ली सल्तनत खिलजी के पास कोई सिद्धांत नहीं। तो सोचो तुम बिना सिद्धांतवादी होकर सिद्धांतवादी से लड़ोगे? राजपूत सब इसीलिए चले गए, सब वो सिद्धांत लगा रहे थे, सब मरा गए सब राजपूत शासक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गए नीचे शिवाजी से लड़ने के लिए, शिवाजी कहें कि पूरा चोर है सब, इन सौ के साथ इंसानियत नहीं। शिवाजी अपने लोगों के साथ सिद्धांतवादी थे, अपने लोगों के साथ वो उसूल वाले थे, लेकिन जब मुगलों से लड़ना रहता था भाड़ में गए लो उसूल, मारेंगे तो मारेंगे ससुरातोराम को, चाहे जैसे मारना पड़े। समझ आ गई नहीं? बहुत ठीक काम किए थे शिवाजी, बहुत जबरदस्त काम किए थे। इन सबको भी औकात पता चलना चाहिए था। समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पर? खैर औरंगजेब के बाद सब बखलोले आया सब। समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पर? तो भारत चीन के साथ सिद्धांत लगा रहा था, मारा रद्द कर दिया भारत को पूरी तरह से, और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, हार गए हम लोग। पाकिस्तान ने देखा, फायदा उठाया, कहा कि 1965 में भारत में सूखा पड़ गया, तो भारत पाकिस्तान ने देखा सूखा भी पड़ा है, अभी युद्ध हुआ है, नेहरू भी मरे हैं हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक हो गया नेहरू का, चाइना मारा इनको दर्द कर दिया, तब इनको समझ में आया चाइना से भी हार गए, भारत में भी गाली सुने, और UNO के महासचिव भी मर गए, नेहरू खत्म कहानी हो गया। नेहरू बहुत विजनरी व्यक्ति थे, नो डाउट इसमें, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो पूरी तरह रद्द कर देती हैं, बहुत भयानक रद्द कर देती है, तो जिसमें यह सबसे बड़ी गलती थी चाइना वाला। आगे समझते हैं। तो इधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया 1962 में, और यहां लाल बहादुर शास्त्री से 65 में। अब लाल बहादुर शास्त्री क्या करें, तो उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, लेकिन हम लोग बहुत बुरी तरह उस जंग में बहुत घाटा लगा था हम लोग। पाकिस्तान फुल मूड में था लड़ने के लिए और हम लोग कॉम्प्रोमाइज मूड में थे, लेकिन क्या हुआ, भारत ने अपना नहर खोल दिया, पाकिस्तान में बाढ़ आ गया। पाकिस्तान में क्या आ गया? बाढ़ आ गया। यहाँ पर जो दह जो यहीं पर, पाकिस्तान ने देखा कि बाढ़ कितने दिन में कंट्रोल किया जाएगा,
तो उसको उसको खबर आया कि 6 घंटा के अंदर अंदर पाकिस्तान में पानी घुस जाएगा। 6 घंटा में कौन चीज कंट्रोल कीजिएगा, पूरा पानी घुस गया किसमें, पाकिस्तान, किचाइन हो गया। हमारी सेना घुस गई कहाँ पे, लाहौर तक पूरा, रातें रात हमला किए सब, लड़ गए सब। पूछा गया कि कहाँ हो, खड़ा अंधेरा है, दिखे नहीं रहा है। सुबह उठा तो लिख रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लाहौर का, रे सोचा तो सरकारी स्कूल है लाहौर का। तब तो पता चला इंडियन आर्मी को कि हम लाहौर में है, नहीं तो इन सौ को पता चला था कि बॉर्डर पे है सब। इन लोग को अपना को रात के लड़ाई में मार मार, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, लड़ाई में तो यही होता है और कौन सी होता है, मार दिया वहां पे। सुबह देख रहा है कि हमारा स्कूल खुल रहा है सरकारी स्कूल पे, कहता फोन किया सरकारी स्कूल लाहौर में है। तब तक ये बात पाकिस्तानियों को खबर लग गई थी, घेर लिया था सब लोग को। इछुगिल नहर को जब हमारी सेना क्रॉस की थी तो वहां हमारी सेना बुरी तरह फंस गई थी और वहां पाकिस्तानी पूरी तरह से घेर के मार दिया था सब, बिजली का करंट डाल दिया था सब पानी में, बहुत भयानक हो गया था इंडियन आर्मी को। तो हमारी इंडियन आर्मी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि जब भी आप प्लानिंग, उधर प्लानिंग नहीं हो पाया था। तो खैर हमें बहुत ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन हमने बहुत ज्यादा जमीन को कब्जा कर लिया था, लाहौर तक घुस गए थे लोग। अब क्या हो, तो रूस ना उस समय अपने आप को खुद से शक्तिशाली दिखाने के लिए सोचा कि हम बहुत पावरफुल है, खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहता था। और खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए उसने कहा कि दोनों में हम समझौता करा देते हैं, क्योंकि उस समय रूस का अमेरिका से बहुत अब तब लड़ाई होने वाला था। तो उसने समझौता करने के लिए बुलाया लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में, और यहाँ से अयूब खान को भी बुलाया, कहाँ पे, ताशकंद। इस समझौते में रूस ने जबरदस्ती भारत से समझौता करा दिया, कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता, 10 जनवरी 1966 को। और यह समझौते के तहत कह दिया गया कि दोनों देश पीछे हट गए। तो ये बताओ हम लोगों की ज्यादा शहादत हुई थी, हम लोगों ने ज्यादा जमीन कब्जा किया था, उसके लोग जमीने कब कब्जा किया, भागिए गया तो शहीद कौन चीज होगा, सब साला सब भाग गया सब, वहां डरे वहां पे तो शहीद कम होगा सब, समझ में आया कि नहीं आ गया। तो जब दोनों को पीछे हटना होता तो अल्टीमेटली लॉस किसको लगता, भारत। लेकिन ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के पे इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया कि मजबूरी में लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया। लेकिन कभी कभी देखिएगा आपको कोई आदमी अपने घरे बुलाएगा और इतना ना प्रेशर दे देगा कि आप डिसीजन ले लीजिएगा, समझ में आएगी नहीं आ गया। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने डिसीजन ले लिया, और जैसे डिसीजन लिया अगले दिन जो खबर आई, 9 जनवरी को यह डिसीजन लिया गया था, 9 जनवरी की रात को, और 10 जनवरी को पूरे अखबार में छप गया कि भारत के लाल ने भारत को ही बेच दिया। लाल बहादुर शास्त्री के लिए क्या लिखा गया, लाल। लाल बहादुर शास्त्री बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, उनका हार्ट अटैक ताशकंद में ही हो गया, उनको लग गया गलत समझौता हो गया, लाल बहादुर शास्त्री क्या हो गए, मृत्यु हो गई। इसके बावजूद अगर लोग हमसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान को क्यों गरियाते हैं, तो चट्टा तुमको भारत का इतिहास नहीं पता है, समझ में आएगी नहीं आ गया। हमारे प्रधानमंत्री की मौत हो गई, जो देश हाल ही में आजाद हुआ, नेहरू की मौत के 2 साल बाद एक और प्रधानमंत्री मर जाना, 2 साल के अंतराल पर, 3 साल के अंतराल पर 2-2 युद्ध झेल लेना, समझ रहे हैं, जिस देश को अंग्रेजों ने पूरा खोखला करके छोड़ा था, किस तरह से देश यहां तक पहुंचा है, ये आज की चोट्टा मशरूमन को क्या पता चलेगा, समझ में आएगी नहीं आ गया। तो लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहां हुई थी, कहां हुई थी, इसलिए ताशकंद समझौता आपसे पूछेगा।